हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को यू कॉल कर देगी। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतःक्रिया को दिशा निर्देश भी कहती है, वह कहलाती है सामाजिक संगठन। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है जाति एवं धर्म पर। विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? वह है बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। बंद स्तरीकरण जो हमारा जाति व्यवस्था है, वह बंद स्तरीकरण है। परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था के प्रमुख आधारों में शामिल है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, गांव पंचायत, जाति व्यवस्था, बंद स्तरीकरण, पंच ऋण, पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, कर्मवाद और पुनर्जन आदि। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, यहीं पे वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया गया है। किस आश्रम को धर्म और काम का संगम माना जाता है? वह है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम सभी पुरुषार्थों का समन्वय केंद्र है, जहाँ धर्म अर्थ काम के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को पुरुषार्थ पूर्ति के योग्य बनाना। एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? वह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन सभी का काल 25-25 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्णों के चार प्रकार होते हैं, यह जाति असंख्यीय होती है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है, जबकि जाति एक बंद वर्ग है। महाभारत के स्थलों पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जो शांति पर्व में महर्षि भृगु ने अपने शिष्य भारद्वाज को उपदेश देते समय कहा कि प्रारंभ में समाज में केवल एक ही वर्ण था, लेकिन बाद में यह वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों भागों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का रंग लाल, वैश्यों का रंग पीला, शूद्रों का रंग श्याम है। रंगों के आधार पर वर्णों के विभाजन में कठिनाई का समाधान करते हुए भृगु का आगे का कथन है कि रंग वास्तव में ही वर्ण विभाजन का आधार नहीं है, वास्तविक आधार तो व्यक्ति के गुण और कर्म ही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्य वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्म के आधार पर मैंने चारों वर्णों की उत्पत्ति की है। इस प्रकार हिंदू सामाजिक संगठन में चार वर्ण की व्याख्या मिलती है। हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और अंधभक्ति। ये सभी हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमेयता प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उनका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन है मजूमदार मदन का, हिंदू के लिए एक अनुभव या दृष्टिकोण है या विचार न होकर की शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर के जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर के अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। यह परिभाषा शंकराचार्य ने दी थी। भारतीय दर्शन में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, और नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानता। इस प्रकार आस्तिक का अर्थ है वेद का अनुयायी और नास्तिक का अर्थ है वेद का विरोधी। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है, जैसे न्याय दर्शन जिसके प्रवक्ता गौतम थे, वैश्विक जिसके प्रवक्ता प्रणाद थे, सांख्य दर्शन जिसके प्रवक्ता कपिल थे, योग दर्शन जिसके प्रवक्ता पंतजलि थे, मीमांसा जिसके प्रवर्तक व्यास और जैमिनी थे, वेदांत जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य माधव, वल्लभ थे। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाले संस्था ही पुरुषार्थ हैं। यह कथन पी ए प्रभु का है।
पंथारी नाथ एच प्रभु ने अपनी पुस्तक हिंदू समाज की व्यवस्था में सामाजिक मनोविज्ञान अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के ये चार पुरुषार्थ हैं। हम इन पुरुषार्थों को आश्रम व्यवस्था के विचार के मना नैतिक आधारों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि एक ओर मनुष्य आश्रम के अंतर्गत इन्हें पुरुषार्थ को जीवन में उतारने और उनकी व्यवस्था करने के विषय में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर वह इस रीति से प्राप्त शिक्षण को उनके अनुरूप ही अपने सामाजिक जीवन में आचरण करने का प्रयास करता है। पुरुषार्थ के रूप में अर्थ संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक है, वह है आचरण की शुद्धता। एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारक में कौन से चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, वह है धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। हिंदू जीवन में संस्कारों की संख्या क्या है, इस विषय पर धर्मशास्त्र में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। एक और गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 निर्धारित की गई है, जबकि दूसरी ओर 12 गृह सूत्र पराशकर, गृह सूत्र पौधन्य, गृह सूत्र तथा मनुस्मृति में इनकी संख्या 13 निर्धारित की गई है। बैखानस गृह सूत्र में संस्कारों की संख्या 18 है, जबकि अश्वलायन गृह सूत्र में यह संख्या 11 ही निर्धारित की गई है। व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है। 16 संस्कार इस प्रकार से हैं: गर्भाधान, पुष्वन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूराकरण, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं, वो है 16। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया, भागवत गीता में। धर्म के विचार का आरंभ वेदों से ही होता है, जिसे उपनिषद में सिद्धांत के रूप में दिया गया है। बाद में महाभारत, भागवत गीता तथा स्मृतियों में अनेक घटनाओं के उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। सर्वप्रथम वेदों में यह उल्लेख मिलता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इस आधार पर वैदिक मंत्रों ने अनेक ऋचाओं में व्यक्तियों के लिए अमृत्व की कामना की गई है और साथ ही पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सद्कर्मों को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में सबसे पहला कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की धारणा को जोड़कर वैदिक कालीन कर्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भागवत गीता के अंतर्गत कर्म के सिद्धांत को सबसे अधिक विशद और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया गया है। वैदिक परंपरा और उपनिषद में कर्म से संबंधित जो विचार प्रतिपादित हुए हैं, भागवत गीता में उन्हें कई अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन को समझाते हुए कहा गया है, कर्मणे वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात बिना फल की इच्छा की कर्म करते रहो। कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया, श्री कृष्ण द्वारा। अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है या सही है, क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाते हैं। निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है, वो है प्राप्त। कर्म के तीन भेद हैं, संचित, प्राप्त तथा क्रियामान। संचित कर्म वे हैं जो व्यक्ति ने अपने पूर्व जीवन में किए हैं। इनमें से जितने कर्म का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने को मिल रहा है, वह उसका प्राप्त है। क्रियामान वह है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है। इस प्रकार आगामी जीवन में व्यक्ति को जो कर्म फल प्राप्त होगा, वह उसका संचित और क्रियामान का परिणाम होगा। कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वह है कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। स्वयं धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यह कथन सत्य है। जैन मत के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है।
शरीर का अर्थ केवल स्थूल शरीर से नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि शरीर का अर्थ इंद्रिय मन तथा प्राण से है। कर्म असंख्य है तथा वासनाओं का संकुल है। कर्मों से ही शरीर का रूप रंग आयु जाति गोत्र धर्म का निर्धारण होता है। कर्म मनुष्य के लिए बंधन या मुक्ति का निर्धारण होते हैं। इसलिए मानव जीवन का चरम उद्देश्य सत्कर्म और ज्ञान की प्राप्ति ही होना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त कथन सत्य है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।